हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप टिकटॉक यूज करते हो या करने वाले हो और आप अपना टिकटॉक का अकाउंट बिना मोबाइल नंबर के बनाना चाहते हो, तो मैं आपको इस वीडियो में अपने जीमेल आईडी से टिकटॉक का अकाउंट बना के बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। सबसे पहले आपको टिकटॉक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ पर हम मोबाइल नंबर को यूज नहीं करेंगे। ईमेल आईडी को बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर पूछ रहा है कि साइन अप विद फोन और ईमेल, और नीचे फेसबुक से भी आप साइन अप कर सकते हो, अपना जो ट्विटर है, गूगल अकाउंट है वहाँ से। तो हम नीचे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन पे क्लिक करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके यहाँ पर कर सकते हो। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पर क्लिक कर देना। लेकिन हम यहाँ पर लॉगिन विथ फ़ोन नंबर, ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन हमारा तो यहाँ पर नया अकाउंट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर बैक जाने के बाद इस रेड कलर वाले पर क्लिक करेंगे साइन अप विथ। तो यहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कोई भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आप कोई भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट डालना, कोई भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर डाल लेते, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि मोबाइल नंबर पे हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करानी है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। जैसे ईमेल आईडी को एंटर करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करना है, जिस पासवर्ड से हम फ्यूचर में लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड को एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड को एंटर कर दिया है, मतलब कुछ भी आप पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर सकते हो। इसके बाद में क्लिक पे राइट के निशान पर क्लिक करना है। इसके बाद में ये कुछ वेरिफिकेशन के लिए हमें ये बताया गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ड्रग द स्लाइड फॉर फिट ऑफ पिजल, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। तो आपको ये जो बीच वाला है इसको उस बीच में लेके जाना है। तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है विदाउट वेरिफिकेशन, जो हमने ईमेल आईडी प्रोवाइड की है उसका वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है। कमाल की बात तो ये है। तो यहाँ पर हमारा जो ईमेल आईडी था वही यूजर आईडी आ गया। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को चेंज कर दूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि टिकटॉक आईडी को डिलीट कैसे करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए। कमाल की बात यह है कि हमारा वेरिफिकेशन नहीं हुआ ईमेल आईडी का, सिर्फ हमने ईमेल आईडी पे विदाउट एसएमएस ओटीपी भेजे हमने यहाँ पर अपना अकाउंट को क्रिएट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।